हेलो व्यूवर्स, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 17। एफ ऑफ एस दिया हुआ है ई रेज टू पावर -3s ओवर एस स्क्वेयर इंटू एस स्क्वेयर +9। हमने इसकी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है और यहाँ देखिए ई की पावर -3s आ गया। जब ये फंक्शन आ गया तो हम इसमें यूज़ करेंगे ये सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम होता है या सेकेंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी होती है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ए टी टाइम्स एफ ऑफ टी माइनस ए इक्वल ई रेज टू पावर -as एफ ऑफ एस, जिसमें जो यू ए टी है या जिसको हम यू ऑफ इस तरह टी माइनस ए ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन होता है। इसकी जो वैल्यू होती है तो ज़ीरो बनेगी या फिर वन बनेगी। ज़ीरो तब बनती है जब इसका अंत वाला आर्गूमेंट नेगेटिव होता है। नेगेटिव कब बनेगा? जब टी लेस देन ए होगा तो ये ज़ीरो बन जाएगा, और जब टी ए से ग्रेटर होगा तो ऑफकोर्स इसके अंदर वाला आर्गूमेंट पॉजिटिव बन जाएगा, वहाँ इसकी वैल्यू वन होती है। तो देखिए यू टी माइनस ए और एफ ऑफ टी माइनस ए यानी फंक्शन और ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन का सेम आर्गूमेंट है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो ई रेस्ट पर -as टाइम्स एफ ऑफ एस बनेगी। जो एफ ऑफ एस होगा वो एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगी। तो देखिए ये जो फंक्शन दिया हुआ हमारे पास यहाँ पे इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है, ये ई रेस्ट पर -3s है। तो देखिए यहाँ पे जो a बन गया वो 3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि a की वैल्यू 3 है, और जो एफ ऑफ एस दिया हुआ है वो ये फंक्शन है 1 ओवर s² इंटू एस के +9। तो पहला काम है इस एफ ऑफ एक्स के अगेंस्ट इसका जो एफ ऑफ टी है वो फाइंड आउट करना। जब एफ ऑफ टी निकल आएगा, ए हम पहले मालूम हो चुका हुआ है, जैसे हमने टी को टी माइनस ए से रिप्लेस करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको लिखेंगे, ये बनेगा मेरे पास एफ ऑफ एस इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर -3s, साथ वैसे लिखिए, और आपने इस फंक्शन को जो है वो आपने इसकी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी है 1 ओवर s² इंटू एस स्क्वेयर +9। ये आपको देखिए पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी, लेकिन ये फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने की बजाय आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है ये दरअसल 1 ओवर s² -1 ओवर s² +9 और इंटू 1 ओवर 9, चाहे यहाँ लिख लें या वहाँ लिख लें, के बराबर है। आप देखिए अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एस स्क्वेयर +9 यहाँ पे आएगा, ये -s² यहाँ पे आएगा, s² कट जाएंगे, बाकी रहेंगे 9, वो 9 इससे वो कैंसिल होगा, तो जो रिमेनिंग फंक्शन बनेगा वो एक्जैक्टली हमारे पास ये बन जाएगा। या तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी, पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी, जो इसमें काफ़ी टाइम लेगी आपका, बिकॉज देखिए आपको यहाँ पे चार कॉन्स्टेंट फाइंड करने हैं। या अगर आप ये ट्रिक याद कर लें कि इस तरह के जो फंक्शन है वो इस तरह डायरेक्टली लिखे जा सकते हैं, आप एलसीएम लेकर वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका ये जो रिजल्टिंग फंक्शन बन रहा है ये इसी की पार्शियल फ्रैक्शन है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इन्वर्स लाप्लास अप्लाई कीजिए। जब यहाँ पे इन्वर्स लेंगे तो ये एफ ऑफ टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जब एफ ऑफ लेंगे 1 ओवर 9 बाहर शिफ्ट कर दीजिए और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनको अलग अलग कर लें, ई की पावर -3s इंटू 1 ओवर s² अलग कर लें, और -1 ओवर 9 इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस्ट पर -3s और 1 ओवर s² +9 कर लीजिए, हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम यूज़ करेंगे ये वाला थ्योरम, हमें ये फॉर्म दी हुई है। अब यहाँ पे अगर देखें पहले वाले में तो ई रेस्ट पर -as यहाँ पे 3s दिया हुआ, और एफ ऑफ एस है ये एफ ऑफ एस दिया 1 ओवर s², तो इसकी जो इन्वर्स बनेगी, क्योंकि यहाँ जब मैं इसको इन्वर्स लेके आऊँगा तो उसका ये आंसर आ जाएगा, तो ये इन्वर्स बनेगी उसमें यू ए टी बनेगा, यू ए टी हमारा निकल चुका है, यू ऑफ वो 3t बन जाएगा। एफ ऑफ टी हमें चाहिए, एफ ऑफ टी क्या होता है, इस एफ ऑफ एस की इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दी हुई है। और यहाँ देखिए ये जो 1 ओवर s² है हम जानते हैं यहाँ पे इसकी जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगी वो टी बनेगी, ठीक हो गया। यानी यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, इसका आंसर आएगा 1 ओवर 9 यू ऑफ ए टी जो यहाँ पे 3 है ऑफ टी बन गया, और एफ ऑफ आना था टी माइनस ए, ए 3 तो एफ ऑफ टी माइनस 3 आना है, लेकिन जो कि यहाँ पे हमें अभी एफ ऑफ टी नहीं पता, यहाँ सिंपल लिखते हैं एफ ऑफ टी माइनस 3, यानी ये इस वाले का आंसर आ गया, ठीक है, ये आ गया माइनस, और यहाँ देखिए 1 ओवर 9 है, और यहाँ फिर वही बनेगा यू ऑफ 3t बनेगा और एफ ऑफ टी माइनस 3 बनेगा। ये जो एफ ऑफ टी है ये इसकी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, और ये जो एफ ऑफ टी वो इसकी इन्वर्स लाप्लास है, ये अपने ख्याल करना। अब यहाँ पे देखिए साइड पे आप कर लीजिए, अगर हमारे पास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन लिया जाए 1 ओवर s² लिया जाए तो ये क्या बनेगा, ये जस्ट टी बन रही, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आना है वो टी आना है, ये जो एफ ऑफ टी है ये दरअसल टी के बराबर है, और ये जो बन रही है 1 ओवर s² +9, ऊपर देखिएगा मैं 9 इस 9 का जो स्क्वायर रूट 3 है मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, यानी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, तो ये देखिए ये मेरे पास साइन 3t है,
तो इसका जो एफ ऑफ टी बन रहा है इस वाले का वो साइन थ्री टी, ये जो एफ ऑफ टी है यहाँ पे जो एफ ऑफ टी बन रहा है वो साइन ऑफ थ्री टी बन रहा है, यहाँ जो एफ ऑफ टी बन रहा है वो मेरे पास जस्ट टी है। तो हमें क्या करें कि हमें इस टी को रिप्लेस भी करना है इस टी माइनस टी से, तो मेरे पास जो फाइनल इसका आंसर बनेगा 1/9 ये यू थ्री ऑफ टी और एफ ऑफ टी माइनस थ्री मतलब टी होगा विद दिस चेंज ऑफ वेरिएबल। तो जब टी को टी माइनस थ्री से रिप्लेस करेंगे तो ये तो जस्ट टी माइनस थ्री बन जाएगा, माइनस इसको देखिए ये अब थ्री साथ इसके बन जाएगा तो ये 1/27 आ जाएगा, साथ यू थ्री ऑफ टी बन जाएगा। और यहाँ देखिए जो फंक्शन दिया वो साइन थ्री टी दिया हुआ है और फिर हमने टी को रिप्लेस करना है टी माइनस थ्री से, तो ये बनेगा साइन ऑफ थ्री और टी को रिप्लेस कर दें टी माइनस थ्री से, तो ये मेरे पास देखिए इसका आंसर आ जाएगा। तो बड़े ध्यान से आपने इसको, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, आपको ए की वैल्यू जो आप शुरू से देकर बता सकते हैं, लेकिन एफ ऑफ एस को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी एफ ऑफ टी निकालनी पड़ेगी, एफ ऑफ टी निकालने के बाद आपने उसको टी माइनस ए से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, आप इसका एक और देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया बन जाए, थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए कि हमने इसको किस तरह अप्लाई करना है। इसके अगले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं दो तीन, वो इसी तरतीब से दिए हुए हैं। लाइक आप इसकी देखें 18 जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें मेरे पास एफ ऑफ एस जो दिया हुआ है वो है ई रेज टू पावर माइनस पाई एस और इनटू दिया हुआ है एस ओवर एस स्क्वायर माइनस फोर एस और प्लस के फाइव है, ये मेरे पास देखिए दिया हुआ है। और जो मेरा फार्मूला है मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू पावर माइनस ए एस इंटू कैपिटल एफ ऑफ एक्स ये बराबर होती है यू ए टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए के। ठीक है, ये हमने इसमें यूज़ करना है। तो देखिए e की पावर ए एस है माइनस ए एस है, ये माइनस पाई एस है, तो इसका मतलब कि जो a बन गया वो इसमें पाई के बराबर, तो ये क्वेश्चन इससे तो सिंपली आ गया। अब ये एफ ऑफ एस दिया हुआ है लेकिन ये एफ ऑफ एस के डायरेक्टली इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें थोड़ी सी ट्रिक लगाकर पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको देखते हैं। हम इसको लिखेंगे e की पावर माइनस पाई एस वैसे का वैसे आएगा, और ये देखिए अगर मैं यहाँ पर नीचे देखूँ ये एस स्क्वेयर माइनस फोर एस प्लस फाइव है, यानी एस स्क्वेयर माइनस फोर एस प्लस फाइव को आप लिख सकते हैं एस स्क्वेयर माइनस फोर एस प्लस फोर और प्लस आप वन लिख सकते हैं, और ये जो फर्स्ट थ्री टर्म बनती है ये एस माइनस टू का होल स्क्वेयर है और ये वन इट्सेल्फ स्क्वेयर, तो ये बनेगा एस माइनस टू का होल स्क्वेयर और प्लस वन बन जाएगा। जब ऐसी फॉर्म नीचे बनती है तो हम कोशिश करते हैं कि ऊपर भी वैसी फॉर्म बननी चाहिए, तो पर उसमें एस यानी जी एस माइनस टू दिया हुआ है तो आप क्या करते हैं यहाँ पे माइनस टू और प्लस टू कर दें, और ये देखें इसके बाद आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें ई की पावर माइनस पाई एस वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये जो मेरे पास बनेगा आप सब्मिट कर लें इसको, ये एस माइनस टू ओवर में एस माइनस टू इसका होल स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा, और फिर ये टू ओवर में एस माइनस टू इसका होल स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा। इसमें एक साइन बनने वाला है एक कॉस बनने वाला है, जिसके ऊपर एस आता है वो कॉस बनता है, कॉस ऑफ यहाँ पे जो फंक्शन होता है उसका उसका स्क्वायर रूट जो कि वन का स्क्वायर रूट वन बनेगा, तो ये कॉस टी बनेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे वन ऊपर चाहिए होगा तो टू बाहर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये साइन टी बनेगा, लेकिन यहाँ पे एस नहीं है एस माइनस टू भी है। अब ये हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए कि अगर मेरे पास ये इस तरह का फंक्शन आ जाए यानी ई रेस्ट पर ये था ए टी इंटू एफ ऑफ अगर टी बन जाए तो इसकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म थी वो एफ ऑफ एस माइनस ए के बराबर थी। तो इसमें जो एफ ऑफ एस दिया हुआ है उसमें देखिए असल में एस को एस माइनस से रिप्लेस किया हुआ है, तो आप इसको ये प्रीवियस क्वेश्चन है आप वहाँ का दोबारा से देख सकते हैं, मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। ये दरअसल एफ ऑफ एस जो दिया हुआ है ये एस ओवर अब इसने एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस वन है, और यहाँ पे जो दिया है वो 2 ओवर एस स्क्वेयर प्लस 1 है, और यहाँ पे आपने क्या किया है कि s को दरअसल हमने s माइनस 1 से रिप्लेस भी करना है, सॉरी s माइनस 2 से, यानी अगर मैं s माइनस 2 को s लिख दूँ तो ये असल में ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक हो गया, यानी ये इस फॉर्म में आके s माइनस a की फॉर्म, और इस एक्स्ट्रा जो a की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा e की पावर at का फैक्टर आएगा, बाकी जिसकी ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन रही है वो फंक्शन और साथ e की पावर at एक्स्ट्रा बनेगा। इसका मतलब हुआ कि जब आप इस पर लाप्लास इनवर्स लाप्लास ऑपरेट करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इधर भी है और इधर भी है,
तो ये जो नीचे अंदर वाला फंक्शन बन रहा है इस e की पावर माइनस पाई एस को छोड़कर, ये जो बाकी फंक्शन बन रहा है इसकी जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनने वाली है वो क्या बनेगी, e की पावर ए टी, मतलब यहाँ पे 2t बनती है, और जो फर्स्ट वाला बनना है ये कॉस ऑफ टी बनना है, और सेकेंड वाले में 2 बाहर कॉमन लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, और साइन ऑफ टी बनना है, ये दरअसल इस फॉर्म में आ रही है। ये अंदर वाले फंक्शन की जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका जो एफ ऑफ टी रिट्रीव बनना है वो दरअसल ये वाला एफ ऑफ टी बनने वाला है, लेकिन बाहर अभी ई की पावर माइनस पाई एस मौजूद है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, तब हम क्या करेंगे, टेकिंग इन्वर्स लाप्लास ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ टी बन जाएगा, और यहाँ बनेगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस पाई एस इन टू एस ओवर में एस स्क्वेयर प्लस वन, और यहाँ पे आप जो है साथ लिख सकते हैं कि इसमें s हमने रिप्लेस किया हुआ है s माइनस टू से, और सेकंड फैक्टर जो बनेगा 2 आप बाहर निकाल लीजिए, ये बनेगा मेरे पास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर माइनस पाई एस इन टू, और ये जो बनेगा मेरे पास वो होगा 1 ओवर एस स्क्वेयर प्लस 1 बनेगा, और यहाँ भी हमने s माइनस टू को s से रिप्लेस कर दिया हुआ है। अच्छा, अब देखें जो फार्मूला है ये वाला, इसमें क्या करना होता है, हमें इस एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ टी निकालना होता है और फिर उसको टी माइनस ए से रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ देखिए जो फंक्शन दिया हुआ है ये दिया, एफ ऑफ एक्स दिया होता है, पहले इसका तो देखिए ये बनेगा मेरे पास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस पाई एस, और ये जो फंक्शन बन रहा है इसकी, ये किसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये देखिए ये कॉस ऑफ टी बनता है, लेकिन इस रिप्लेसमेंट की वजह से हमें एक्स्ट्रा फैक्टर क्या लगाना पड़ेगा, ए टी। तो देखिए ये e की पावर 2t ऑफ cos ऑफ t की जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। इसी तरह सेकंड पे आ जाइए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस्ट पावर माइनस पाई एस, और ये जो फंक्शन बनता है उसी तरतीब से ये e की पावर 2t इंटू साइन ऑफ t की लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, सॉरी यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दीजिए ऐसे। ये मैंने एफ ऑफ एक्स को लाप्लास की फॉर्म में लिखा था, आपको पता चल गया कि ये फंक्शन किसकी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये लगाना है, अब हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे जिसमें क्या लिखा होता है कि अगर e की पावर माइनस ए एस और एफ ऑफ एस लिखा हो, यानी ये एफ ऑफ एस मैंने यहाँ मैं ऐसे लिखा है, मैंने वहाँ पे इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कह दिया, ठीक है, नोटेशन मैंने ये इस्तेमाल कर दिया, तो उसका जो आंसर आएगा वो यू ए टी बनेगा, ए यहाँ से आ जाएगा, और एफ ऑफ टी ये जो लिखा होगा इसमें हमने टी माइनस ए से रिप्लेस करना है। अब इसको जब इस्तेमाल करेंगे, देखिए इसका जो आंसर बनेगा यू ऑफ ए टी, ए यहाँ पे पाई है तो पाई ऑफ टी बनेगा, पाई ऑफ टी बनेगा, और ये जो फॉर्म बनेगी एफ ऑफ टी इसको रिप्लेस करना पड़ेगा टी माइनस पाई से, तो क्या बनेगा ई की पावर टू इंटू टी माइनस पाई कॉज ऑफ टी माइनस पाई, सेम यहाँ अप्लाई करेंगे टू, जब अप्लाई करेंगे ये भी यू पाई ऑफ टी बन जाएगा, और इस एफ ऑफ टी में रिप्लेस करेंगे टी को टी माइनस पाई से, और ये साइन ऑफ टी माइनस पाई बन जाएगा। हाँ, ये ई की पावर में जो है वो अब e की पावर में जो 2 इंटू टी माइनस पाई है ये कॉमन आ जाएगा, यह बजेगा कॉस टी माइनस पाई। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस टी, क्योंकि ये कॉस फंक्शन है, इसके अंदर आप नेगेटिव अगर लिया भी जाए तो वो एब्जॉर्ब करता है, मैंने इसमें नेगेटिव कॉमन लेके छोड़ दिया तो पाई माइनस टी बन गया है, और यहाँ पे देखिए मेरे पास प्लस क्या बनना है 2 टाइम ये कॉमन आ गया है, और साइन ऑफ यहाँ भी आप पाई माइनस टी कीजिए, लेकिन साइन में अगर नेगेटिव आएगा तो वो उसको वैश्यू कर देगा, तो ये माइनस प्लस किया ये माइनस बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम में देखिए यहाँ पे आप प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए, ये बनेगा जो साइन जो कॉज ऑफ पाई माइनस एक्स होता है, ये देखिए क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड में कॉज नेगेटिव है, ये माइनस कॉज ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है, लेकिन जो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये साइन ऑफ एक्स बनता है। इसका मतलब हुआ कि जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो ये एक एक्स्ट्रा माइनस बार शिफ्ट करेगा, ये नहीं करेगा कि वहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, वो माइनस ही माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस यू पाई ऑफ टी ई रेज टू पार टू इंटू टी माइनस पाई, और इंटू जो बनेगा वो कॉज ऑफ टी बनेगा, और प्लस टू टाइम साइन ऑफ टी बनेगा, और ये इसका फाइनल आंसर है। इसी तरतीब से आप क्वेश्चन नंबर 19 और 20 कर सकते हैं, इस पर आपको सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम या वो यूज़ करना पड़ेगा, और हो सकता है आपके पास एक्स्ट्रा ही रिजल्ट दिया होगा ये भी इस्तेमाल करना पड़ जाए। होप कि आप वो बाकी दोनों कर सकते हैं।